ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, आज के इस वीडियो में हम वंस अगेन बात करेंगे बीटीटी यानी कि बिट टॉरेंट के ऊपर। आपको इसका यूज केस ऑलरेडी पता है कि भैया फाइल ट्रांजैक्शन यानी कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए ये पार्शियली छोटे 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 टुकड़े कर देता है और उसको जो है वो मूव ऑन कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, ताकि आपकी जो है वो स्पीड भी अच्छी मिले और क्वांटिटी और क्वालिटी तमाम की तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाए और अच्छे डिसेंट्रलाइज वे के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में इससे कई ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, इस वक्त प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है वो याद रखिएगा कि RW यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट का चल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डीप पिन का चल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रियल वर्ल्ड एसेट का चल रहा है। ठीक है, तो ये वो टेक्नोलॉजी है कि ड्रास्टिक लेवल का चेंज या ड्रास्टिकली जो है वो चीजें चेंज होती हुई इसके अंदर नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से वैल्यू एडिशन कर रहा है मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर उस लेवल की जिसकी जरूरत है, जिसके अंदर एक लूप होल हो जाके जो गैप हो वो फिल कर रहा हो, तो समझ में आता है कि वो इस प्रोजेक्ट जो है वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू देने के पोटेंशियल रखते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में आप उससे बहती गंगा के अंदर हाथ धोने हैं और बाहर आ जाना है। आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। इस वक्त प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करता हूँ तो भैया ये मार्केट के अंदर रैंकिंग अच्छी खासी अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लेट सी चेक कराता हूं कि लगभग अपने पुराने ऑल टाइम हाई से प्रेजेंट टाइम में अब तक जो है वो 40-35% जो है वो डाउन ही है, विच मीन्स कि जहां से इसकी इब्तदा हुई थी अब तक वो वहां पर नहीं पहुंचा, वहां से भी नीचे। ठीक है, एंट्री जोन ये आपका परफेक्टली बन सकता है। पर्सनली आई डू बिलीव कि यहां तक हो सकता है। ठीक है, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो 0.5 times 0 आता है। ठीक है, 5-6 times 0 आता है और उसके बाद जो है वो 1.4 आता है, विच मीन्स के बहुत ज्यादा जीरो है। और जो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो याद रखिएगा कि फंडामेंटली जो है वो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, जिसकी प्रोजेक्ट के अंदर जो है $1, $2, $5, $10 होते हैं, यानी कि वो फंडामेंटली प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर बुल बियर को सरवाइव करने की कैपेसिटी, गुंजाइश, ताकत होती है। ठीक है, इसके अंदर नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, परफॉर्म करेगा। अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा 7 days की अगर मैं बात करता हूं तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा कि लगभग 7 days के अंदर ये ऑलरेडी 10% जो है वो पंप हो चुका है। ठीक है, यहां पर ये पंप होगा, अच्छा खासा पंप होगा, यानी कि यू समझ लेंगे भैया 1 to 2 ज्यादा से ज्यादा 2-0 किल कर सकता है। इससे ज्यादा का उम्मीद नहीं रखना, इससे ज्यादा का आपने पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर पर्सनली, क्योंकि मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस बना के बता दिए कि भैया हर एक एक वीडियो के अंदर हमने 3-3 प्रोडक्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस किए, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि भैया जो रैली निकल चुकी है उसको छोड़ दोगे और जो नहीं निकली है उसको इस वक्त दिसंबर मंथ के लिए आप इजीली होल्ड कर सकते हो। ठीक है, दिन की 2 videos आ जाती है, यानी कि लगभग 2 बजे और रात को 8-7 बजे। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोस को आप वॉच करेंगे, इंशाल्लाह समझ में आएगा। ऑलरेडी ई कैश को लेके भी मैंने बात कर ली है, यकीनन वो वीडियो आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी, मेक श्योर कीजिएगा आप उसको देखेंगे। उसके बाद जो आपको पूरी के पूरी वो वीडियोस मिल जाएगी जहां पर आपको मैंने बताया कि दिसंबर के महीने में 3-3 प्रोडक्ट बनाए हुए कि लगभग 10-12 वीडियोस ऑलरेडी हमने बना दी है, जिसके अंदर आपको बता दिया। याद रखिएगा ट्रेंड जो है वो RW का है, डीप इन का है और दूसरा ये क्या AI का है। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करो, अटेंशन उसके ऊपर लो, बाकी जितने भी प्रोडक्ट है वो हवाई है। ठीक है, उसका सीजन था, चला गया। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग के अंदर जो चीजें चल रही है उसको फॉलो करें तो फिर आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आई होप कि चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करो। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी पोटेंशियल है, याद रखिएगा कि 1-0 किल कर देगा इस बुलन के अंदर, बुलन के बाद होगा क्या, फिर वही चीज है कि मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, टाइम चलते हैं, इनका एक टाइम आता है, उसके बाद ये पंप होते हैं, अच्छे खासे ड्रास्टिक लेवल का पंप होता है और उसके बाद क्या होता है, डाउनफॉल आ जाता है और उसके बाद जो है वो एक साइड वेव्स के अंदर चलते रहते। बहुत सारे लोग जो है वहां पर ऊपर टॉप पे अगर बुकिंग नहीं करते, प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो वो ड्रॉप डाउन के बाद इंतजार कर रहे होते कि भैया लॉस में बुक कर लो। तो याद रखो प्रॉफिट टेकिंग पहले करो। ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर जो हम TRX को पे लेके बात करेंगे, बड़ी न्यूज, बड़े अपडेट है TRX को लेके। ठीक है, जो अब तक कहीं भी रिवील नहीं किए। हाँ, इस प्रोडक्ट को अगर लेके मैं बात करता हूँ कि भैया अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया $1 चला जाएगा, $0.01 चला जाएगा, 0.000 भी हो जाएगा, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि भैया इतनी जल्दी नहीं जाता। ठीक है, इसके लिए भी कम से कम आपको 3-4 हाविंग का इंतजार करना पड़ेगा, लर्निंग के एक हाविंग 4 साल के पीरियड की होती है, 3 हाविंग का भी अगर इंतजार करो तो पर्सनली तो फिर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, नजर आती है। अगर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो
अदरवाइज आपने अपनी खुद की रिसर्च करनी है, ड्यू डिलिजेंस करनी है, फिर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। मार्केट हाईली वॉलिटाइल है, ठीक है, सो डू योर ऑन रिसर्च, रिसर्च करनी है आपने, क्यों, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस भी आपकी होगी, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस होगा तब भी आपका ही होगा, कॉन्सेंस आपकी भी है, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी यहां पर एंड स्क्रीन के अंदर वो वीडियो बना के बता दी है आपको कि आप ई कैश फ्री में किस तरीके से अर्न कर सकते हो। कि यहां तक अब तक आपको किसी ने ये वीडियो नहीं बताई होगी, बताया नहीं होगा कि भैया फ्री में भी आप ई कैश अर्न कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके। आप अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करोगे तो आपको क्या फ्री में ई कैश मिलते रहेंगे। कौन से वॉलेट में क्या क्या चीजें, वो तमाम की तमाम चीजें हमने एंड स्क्रीन के अंदर वीडियो में डिस्कस कर लिए। मेक श्योर कीजिएगा आप यहाँ पर एंड स्क्रीन के अंदर वीडियो लाजिम वॉच कीजिएगा। वुलन है, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद आपने क्या करना है, फिर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड के हिसाब से देखना है। 2025 को मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा गर्म फेज भी हो सकता है, तो इसके लिए आप मेंटली तौर पे अभी से तैयार रहेगा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं भैया बुलन सर पे खड़ा है, तो बुलन के अंदर हमको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बता दो, तो ये मैंने आपको प्रोजेक्ट बता दिया। वीडियो का इंतजार कीजिएगा, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भैया तीन तीन प्रोजेक्ट, एक एक वीडियो के अंदर तीन तीन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि भैया वो प्रोजेक्ट जो पंप हो चुके हैं, अगर हो गए हैं तो आप छोड़ दो, उसके बाद नए प्रोडक्ट के अंदर आ जाओ। वो प्रोडक्ट जो कि आप जनवरी से पंप करेंगे, वो प्रोडक्ट जो दिसंबर में पंप करेंगे, वो प्रोजेक्ट जो कि अगले साल के अंदर हाविंग के बाद ड्रास्टिक लेवल का चेंज करेंगे। क्या चीजें डेवलपमेंट हो रही है, क्या चीजें निकल के सामने आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर वो प्रोडक्ट भी शामिल है जो कि दुनिया के अंदर एक टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि पॉलकार्ट डॉट की बात करूं तो पॉलकार्ट डॉट वी ऑल नो, हम सबको पता है, एक ड्रास्टिक लेवल का चेंज दिया, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। और पिछली वीडियो के अंदर अगर आपको याद हो तो अभी बता दूं कि पॉलकार्ट डॉट फिर भी बता देता हूं दोबारा से कि भैया ये 11 से लेकर $13, 13 से लेकर $19 तक का भी ये पोटेंशियल दे देगा इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। बाकी चीजें मूव ऑन होती रहेगी, चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ समझ लेना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मुश्किल काम है बट आप कर लेते हैं, मुझे पता है। तो आपको हर एक चीज का पता चल जाएगा कि जो कि ड्रास्टिक लेवल के अंदर दुनिया के अंदर जो है वो वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उसका ट्रेंड आएगा, उसकी वैल्यू होगी और उसके अंदर से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो वो अपकमिंग वीडियोस के अंदर आ जाएगा, मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सो डू योर ऑन रिसर्च। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ।